शनिवार को लखनऊ के कांशीराम स्मारक से बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने चुनावी शंखनाद किया है। पार्टी के संस्थापक कांशीराम के 15वें परिनिर्वाण दिवस पर आयोजित रैली में मायावती ने समर्थकों को विश्वास दिलाया कि 2022 में पार्टी यूपी की सत्ता में वापस आ रही है। अपने महापुरुषों के सम्मान में मौका था बीएसपी के संस्थापक कांशीराम के 15वें परिनिर्वाण दिवस का। लखनऊ के कांशीराम स्मारक में बीएसपी के भारी समर्थकों के बीच बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी 2022 में सत्ता में लौटेगी। या सपा सत्ता में रही हो या बीजेपी सत्ता में आसीन है, किंतु यहाँ की जनता इन दोनों सरकारों में काफी ज्यादा दुखी रही है और ऐसे में अब इस बार यहाँ बीएसपी की सरकार बनना लगभग तय है, जिसके लिए पार्टी के लोगों को अभी से ही यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। इस मौके पर मायावती ने लखीमपुर में हुई किसानों की मौत के मामले का जिक्र भी किया और अब तो आंदोलित किसानों का काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न भी किया जा रहा है और इस मामले में लखीमपुर खीरी की घटना इसका ताजा उदाहरण भी है। बीएसपी अध्यक्ष ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार आने पर बीएसपी सरकार की रुकी योजनाओं को पूरा किया जाएगा। यूपी में हमारी पार्टी की रही चारों सरकारों ने यहाँ सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम वे अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों तथा गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, छोटे व्यापारियों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के हित एवं कल्याण के लिए जो भी योजनाएं व परियोजनाएं आदि चलाई थी, जिन्हें सपा व भाजपा सरकार ने अधिकांश रोक दिया है, तो उन्हें फिर से शुरू किया जाएगा। मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में कानूनी व्यवस्था की दुर्गति का जिक्र भी किया। इस मौके पर मायावती ने केंद्र सरकार से कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग भी की। अब मैं माननीय श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर केंद्र की सरकार से इनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने की भी जोरदार मांग करती हूँ। मायावती ने लोगों को सचेत किया कि दूसरे दलों को वोट देकर अपना वोट खराब न करें। कांशीराम स्मारक स्थल पर इस मौके पर समर्थकों की काफी भीड़ उमड़ी थी। टीम न्यूज़ स्टेट।